एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। इंडोनेशिया में 167 की मौत, सुनामी ने मचाई तबाही। पौंडी में जिंदा जलाई गई छात्रा, 7 दिन बाद हारी जिंदगी की जंग। पति पत्नी के विवाद को सुलझाने जा रहे शख्स की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। इंडोनेशिया में एक बार फिर सुनामी का कहर देखने को मिला है। काल बनकर आई सुनामी ने अब तक 167 लोगों की जान ले ली है, वही कई लोग लापता है। इस घटना में 600 से अधिक के घायल होने की अब तक खबरें सामने आ रही है। पोंडीपल्ली गांव में जिंदा जलाई गई छात्रा, सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। अस्पताल में 18 वर्षीय छात्रा ने 7 दिन के बाद दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा शाम कॉलेज से प्रैक्टिकल देकर घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी मनोज ने उसे जंगल की तरफ ले गया और छेड़खानी करने लगा। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, जिसमें लड़की 70% जल गई थी। ग्रेटर नोएडा के गुलिस्तानपुर गांव के पास बाइक सवार बदमाश युवक को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।